परमात्मा को प्रणाम करते हुए जो हम सब लोगों के लिए अन्न जल वायु प्रकाश इत्यादि की समस्त व्यवस्था करता है हम सब लोगों को अपने कर्मों के अनुसार फल प्रदान करता है उस परम पिता परमात्मा को याद करते हुए उनको कृतज्ञता पूर्वक प्रणाम करते हुए आइए आज हम यज्ञ के बारे में जानते हैं जैसे हम पूर्व में चर्चा की कि जो यज्ञ हैं वो इस धरती पर जितने भी कर्म हैं उन सभी कर्मों में श्रेष्ठतम कोई कर्म है तो वो यज्ञ है, इसलिए तो कहाँ यज्ञ वही श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ इस धरती का सबसे श्रेष्ठ कार्य है सबसे श्रेष्ठ कर्म है इसलिए यज्ञ कर्म को करना चाहिए और इसी प्रकार ये जो यज्ञ कर्म हैं वो इतना श्रेष्ठ होने के कारण इसमें इतने गुण हैं इतने लाभ हैं जैसे कि कहते ना एक अनार सौ बीमार मानिस एक ही अनार सौ बीमारियों को ठीक कर सकता है इसी प्रकार एक यज्ञ सौ लाभ ऐसा कह सकते हैं मानी कई सारे सैकड़ों लाभ होते हैं इस यज्ञ के और इसी यज्ञ के बारे में शास्त्रों में क्या कहा है उसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे तो उसमें जैसे कहा कि जो यज्ञ का अनुष्ठान करता है नित्य प्रति उसके जो त्रिविध दुग है आध्यात्मिक आदि और आदि भौतिक वो तीनों प्रकार के दुख दूर होते हैं नष्ट होते हैं और वो अपने जीवन में सुख शांति समृद्धि एवं शांति को प्राप्त करता है इसलिए जो यज्ञ हैं उसको श्रेष्ठ कर्म कहा गया और ये जो यज्ञ है उसमें जो ये त्रिविद दुख दूर करने की बात आई उसमें महर्षि कपिल जी ने जो बताया सांख्य शास्त्र में अथ त्रिविद दुख अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ जो हमारे जीवन में तीन प्रकार के दुख हैं उसकी अत्यंत निवृत्ति इस धरती पर का सबसे बड़ा अत्यंत पुरुषार्थ सबसे बड़ा पुरुषार्थ है इसलिए इस पुरुषार्थ को पूर्ण करने के लिए जो यज्ञ हैं वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा लाभकारी हैं सबसे बड़ा साधकतम है इसलिए इस यज्ञ कर्म को करना चाहिए इस यज्ञ भाव से कर्म को करना चाहिए और इस यज्ञ भाव से हम कर्म करेंगे और यज्ञ कर्म को करेंगे तो हमारा चित्त भी शुद्ध होगा हम जो भी कर्म करेंगे उस कर्म के प्रति हमारी आसक्ति भी नहीं होगी और जैसे हवन की बात आती है तो उस हवन में भी जैसे आपको पूर्व में बताए कि एक ही यज्ञ एक ही हवन के सैकड़ों सैकड़ों लाभ होते हैं और उसके लाभ उठा करके हम अपने जीवन को सुख शांति एवं समृद्धिमय हम अपने जीवन को बना सकते हैं इसलिए जो यज्ञ है वो श्रेष्ठ है और उसमें जैसे हम चर्चा कर रहे थे तीव्र दुख की तो उसमें आध्यात्मिक आदि देविक और आदि भौतिक तो उसमें हमने आध्यात्मिक दुखों के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त की थी आध्यात्मिक दुखों के बारे में हमने कुछ चर्चा की थी अब आइए आध्यात्मिक के बाद आधि देविक दुखों के बारे में जानते हैं कि आधि देविक दुःख क्या हैं तो आधि देवी के उसको कहते हैं जो इस प्रकृति के माध्यम से हमको मिलते हैं देवी आपदाएँ जिसको हम कहते हैं या तो अति भूकंप आ जाना जो पांच भूत होते हैं पांचों भूतों के माध्यम से जो मिलने वाला पांच भूत जैसे धरती आकाश वायु जल पृथ्वी ये जो कहे जाते हैं उनके माध्यम से जो हमको दुख मिलते हैं जो कष्ट मिलते हैं जो बाधाई आती है हमारे जीवन में वो जो दुख है उनको दूर करना यह त्रिविध दुख में जो आधी देवी के दुख हैं वो और आधी देवी जैसे धरती को ले भूकंप आता है उसके माध्यम से जो हमको दुख मिलता है फिर जल जल में जैसे अति बाढ़ आ जाना या फिर अनावृष्टि या अतिवृष्टि हो जाना कई बार बादल इत्यादि भी गिर जाते हैं इस प्रकार से कई सारी आपदाएं फैल जाती हैं जिसके कारण से कई सारे लोग मृत्यु के मुंह में समा जाते हैं और इसके साथ साथ कितने सारे नुकसान भी हो जाते हैं तो इसके माध्यम से जो हमारे जीवन में दुख आते हैं कष्ट आते हैं बाधाएँ आती हैं उसको दूर करना इसी प्रकार जैसे प्रकाश बिजली से देखें अग्नि से देखें जब आकाश में बिजली होती हैं तो उसके माध्यम से हमको जो दुख कष्ट मिलता है या फिर जो उल्का इत्यादि पड़ते हैं उसके माध्यम से या फिर जो लावा इत्यादि धरती से निकलते हैं उसके माध्यम से जो हमको दुख मिलते हैं तो ये आधिदेविक दुख कहे जाते हैं इसी प्रकार से अन्य भी दुखों को हमको देखना चाहिए आध्यात्मिक आधिदेविक आधिदेविक जो दुख हैं वो इस प्रकार से कई सारे हमको जो वायु के माध्यम से अति वायु का बहना बै, इत्यादि के माध्यम से जो दुख मिलता है जिसको वात चक्र इत्यादि कहते हैं तो इस प्रकार ये सारे जो दुख हमको मिलते हैं वो सब जो दुख हैं उनको दूर करता है ये यज्ञ इसी प्रकार आधिदेविक के बाद आदि भौतिक आधि भौतिक जो दुख हैं वो जैसे हम एक प्राणी हैं हम एक जीव हैं और हमारे अतिरिक्त अन्य जो जीवों से हमको दुख मिलता है अन्य जीवों से जो हमको कष्ट मिलता है उसको कहते हैं आदि भौतिक अर्थात हम मनुष्य कोई हमको कटु वाणी बोले कड़वी वाणी बोले तीक्ष्ण वाणी बोले कटु वाक्य बोलने के कारण जो हमको दुख मिलता है या फिर किसी की ताड़ना यानी मारने से किसी के मारने से हमको जो दुख होता है या फिर कोई बिच्छू इत्यादि काट ले या सर्प इत्यादि काट ले या भैंस इत्यादि के मारने या इस तरह के जो अन्य प्राणियों से जो हमको हिंसात्मक रूप से जो एक दूसरे को दुख मिलता है ये सारे जो दुख होते हैं वो भौतिक है, दूर करता है, इस, इसलिए यहां पे कहा है कि ये न सद अनुष्ठाने न जिस सद अनुष्ठान से आध्यात्मिक आधि देविक आधि भौतिक तापत्रोन्मूलम सुकरम सद तद यज्ञ पदा अर्थात ये जो आध्यात्मिक आधिदेविक और आदि भौतिक इन तीनों दुखों का जो उन्मूलन नष्ट जिससे होते हैं वो जो काम काम है वो है यज्ञ अर्थात ये जो यज्ञ है वो इतना बड़ा कार्य है इतना बड़ा कर्म यज्ञ कर्म है कि हमारे जीवन के जो तमाम दुख है जैसे सांख्य शास्त्र में महर्षि कपिल जी ने सांख्य शास्त्र ही इसलिए रचा कि हमारे जीवन के जो सारे दुख है उसको कर, उसको हम दूर कैसे कैसे करें समझे उसका दर्शन बताया है पे उसमें आध्यात्मिक और आधि भौतिक हमारे जीवन में जितने भी दुख आते हैं उनको एक कैटेगराइज में बांट दिया और जो तीन दुख है उनकी अत्यंत निवृत्ति मानी हमेशा के लिए निवृत्ति हो जाए वही है हमारी मुक्ति वही है हमारा मोक्ष और उसी कर्म को उसी तीनों दुखों को दूर करने के लिए यदि कोई श्रेष्ठ साधन है कोई सबसे उत्कृष्ट साधन है तो वो है यज्ञ इसलिए यहाँ कहा कि जो येन है, जिस से आध्यात्मिक आदिदेविक देविक और आदि भौतिक तीनों प्रकार के दुखों का उन्मूलन होता है नष्ट होते तीनों दुख उसको कहते हैं यज्ञ और ये जो यज्ञ है वो हमारे वेदों में आदि काल से ही दे रखा है हमारे ऋषि मुनियों ने आदिकाल से ही है जो वेद में वेद में कहते हैं ये चारों वेदों में मिलकर के जो यज्ञ शब्द का प्रयोग किया गया है इसलिए वेदों में ग्यारह हजार एक सौ चौरासी यज्ञ शब्द का प्रयोग हुआ है सब मंत्रों में बार बार यज्ञ शब्द का प्रयोग किया गया है और यज्ञ का इतना बड़ा विधान करा गया है कि यज्ञ कर्म जो है वो सबको करना चाहिए यज्ञ भाव से हम जो भी कर्म कर रहे हैं उसमें भी हम यज्ञ भाव से यज्ञ भाव मानी त्याग भाव से इसलिए तो कहा तेन त्यक्तेन भूंजी था मागृदक अर्थात जब हम त्याग पूर्वक भोग करते हैं अर्थात हम जिसे हम इस धरती पर आए हैं हमको जो कुछ भी मिला है उन सारी चीज़ों का जो हम उपभोग करते हैं उसका जो प्रयोग करते हैं वो जो प्रयोग हैं, उसको हम पहले तो हमारी जितनी आवश्यकता है जितनी अनिवार्यता है कि इसके बिना हमारा जीवन नहीं चल सकता है जिनकी हमारे लिए आवश्यकता है उसका हम प्रयोग करें और बाकी जो चीज है उसको बांट करके मानी दूसरों को भी सुख में हम प्रयोग करें उसका इसलिए तेन त्यकते न था माँ गृध कश्य इसलिए इस सृष्टि पर हमको जो कुछ भी मिला है उसका त्याग पूर्वक हम भोग करें त्याग पूर्वक उसका उपयोग करें करें सदुपयोग करे। तो उससे जो, जो है हमारी जो आसक्ति है हमारे जीवन में जो आसक्ति कर्म के प्रति बनती है पदार्थों के प्रति बनती आसक्ति नहीं बनेगी हमारी और हम जो भी कर्म करेंगे उस कर्म से हम मुक्त रहेंगे इसलिए जो यज्ञ कर्म है वो श्रेष्ठतम कर्म है और ये जो यज्ञ भाव से कर्म करने का जो अर्थ है वो भी यही है कि त्याग भाव से हम कर्म करें जो भी कर्म करते हैं उसमें जो भी हमको फल मिलता है उसी में हम संतुष्ट रहें और जो फल मिला है उसमें से भी हमको जितना हमारे लिए आवश्यक है अपने जीवन को जीने के लिए जितना आवश्यक है हमारे जीवन निर्वाह के लिए उतना हम प्रयोग करें और बाकी जो भी है वो बांटते हुए समष्टि में सुख शांति खुशियाँ बांटें तो ये जो है, वो हमारा यज्ञ से कर्म हो जाएगा और जब इस तरह से हम यज्ञ से कर्म कर्म करेंगे तो हमारी आसक्ति कोई भी कर्म के साथ नहीं बनेगी और जो यहाँ पे विधान किया कि इस यज्ञ को साधन बना करके जब हम कर्म करेंगे तो ये तीन प्रकार के जो दुख है आध्यात्मिक आधि देविक और आधि भौतिक उससे भी हम छूट जाएंगे और महर्षि कपिल जी ने तो उसको हमारे जीवन के पूरा लक्ष्य तक बता दिया है कि जो आध्यात्मिक आधि देविक और आधि भौतिक तीनों दुखों से छुटकारा प्राप्त करना यही है हमारे जीवन का लक्ष्य यही है हमारे जीवन का उद्देश्य यही है हमारे जीवन का निश्रेयस अपवर्ग मोक्ष और उसको प्राप्त करा देता है ये यज्ञ इसीलिए तो ये जो यज्ञ है वो सबसे श्रेष्ठ कर्म है और इस यज्ञ कर्म को करना सबके लिए अनिवार्य है इसलिए तो वेदों में पहले से ही भगवान ने आदेश दे रखा है जो यज्ञ हैं वो सबको करना चाहिए अनिवार्य रूप से करना चाहिए जब हम यज्ञ करेंगे त्यागपूर्वक कर्म करेंगे तो ये जो कर्म है वो श्रेष्ठ कर्म होंगे और उसके माध्यम से हम मुक्त सुख शांति समृद्धि और खुशियां बांटते हुए हम अपने जीवन को जियेंगे इसलिए तो कहते हैं ना जो परम परमात्मा है जो विष्णु है उन्होंने भी ये जो सारी सृष्टि की समष्टि की जो रचना की है वो समष्टि की रचना भी उन्होंने यज्ञीय भाव से ही कही है इसलिए तो कहा है विष्णु मानी जो विष्णु ने जो ईश्वर ने इस समष्टि की है, रचना की है की जो उन्होंने रचना की है, वो रचना भी उन्होंने इसी भाव से युक्त की है ना कि सृष्टि की प्रकृति की रचना जो है ये सारी रचना होती है हो, क्यों होती है ये परोपकारार्थ मानी कोई उसमें स्वार्थ नहीं निस्वार्थ भाव से परमपिता परमात्मा की इच्छा से यह सारी समष्टि का विधान होता है ये सारी समष्टि का निर्माण होता है और ये जो समष्टि का निर्माण है उसके पीछे वो परम पिता परमात्मा इस जीवों के भोग और अपर भोग वर्गार्थम जो मनुष्य के भोग और अपवर्ग हैं उसको पूर्ण करने के लिए इस समष्टि की रचना करता है परमात्मा इस समष्टि की का सृजन करता है ईश्वर और इसी प्रकार से जिस भाव से उन्होंने जिस त्याग भाव से उन्होंने इस समष्टि को रचा इस संसार को रचा उसी त्याग भाव से हम भी इस धरती पर रहते हुए कर्म करें इसी त्याग भाव से युक्त होते हुए हम इस धरती पर विचरण करें और जो भी हमको इस धरती पर पदार्थ मिले हैं जो भी हमें इस धरती पर वस्तुएं मिली है जो भी हमें इस धरती पर संबंध मिले हैं उन सब में हम त्यागपूर्वक पूर्वक बरतें मानी जितनी हमको आवश्यकता है अनिवार्यता है जितना हमारे जीवन निर्वाह के लिए जरूरी है उसका प्रयोग करते हुए बाकी सब चीजों को बांटते हुए इस जीवन में विचरे इस सब चीजों को बांटते हुए इस जीवन में आनंद पूर्वक, सब लोगों को खुशियाँ सुख शांति समृद्धि इन सब को बांटते हुए अपने जीवन को जिए तो हमारा जो जीवन है इतना उत्कृष्ट होगा कि बात ही मत पूछो और जो हमारे जीवन में जो आसक्तियां हो जाती है परिग्रह होता है वो भी नहीं होगा और वास्तव में यदि हम देखें तो हमारा है क्या इस धरती पर हम जिस समय यहाँ पे आए उस समय परमपिता परमात्मा ने हमको क्या दिया सब कुछ दिया लेकिन हम अपनी ओर से क्या लेकर के आए थे कुछ नहीं परमपिता परमात्मा के विधान से हम यहां पे आए परमपिता परमात्मा की व्यवस्था से हमको एक माता-पिता मिले परमपिता परमात्मा की व्यवस्था से हमको अन्न जल फल फूल वनस्पति वनस्पतियाँ सूर्य की धूप धरती हमको धारण करती है सारी चीजें हमको परमपिता परमात्मा की कृपा से मिला है जो भी यहाँ पे हमारे पास है वो इस परमपिता परमात्मा की कृपा से अन्य जीवों की सहायता से हमको प्राप्त हुआ है और जो भी हमको ये प्राप्त हुआ है उसमें हम अपने जीवन निर्वाह करें उसका परिग्रह ना करें इसलिए तो कहते हैं ना कि हम जिस समय इस धरती पर आए तब हमारे पास क्या था कौन सा सामर्थ्य था क्या हमारे मुंह के ऊपर बैठने वाली मक्खी को भी हम उड़ा सकते थे उतना भी सामर्थ्य हमारे पास नहीं था लेकिन यदि आज हमारे पास कुछ हैं कुछ हमारे पास योग्यता है कुछ हमारे पास ऐश्वर्य है कुछ हमारे पास विशेष हैं तो कहाँ से आया इसी प्रकृति के सहयोग से इन्हीं सब जीवों के सहयोग से और उस परमपिता परमात्मा के विधान से तो उसके ऊपर हमारा अधिकार है या उस परमपिता परमात्मा का अधिकार है उस वस्तुओं के ऊपर हमारा अधिकार है या इस प्रकृति का अधिकार है? है या इन जीवों का अधिकार है इसलिए और यदि हम उसमें भाव और अपनापन रखते हैं तो तो गलत है ही हैं, और यदि वो गलत इसलिए भी हैं कि जिस वस्तु को हम अपना मानते हैं जिसको हम इकट्ठा करने लग जाते हैं तो उसके प्रति हमारी आसक्ति हो जाती है और उन वस्तुओं को इकट्ठा करने में हमारा सारा जो समय है वो व्यर्थ हो जाता है जिस समय को हम अपवर के लिए मोक्ष के लिए हमारे अपने जीवन का जो परम उद्देश्य लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के लिए हमको लगाना चाहिए उसको हमें तुच्छ जो वस्तुएं हैं क्षणिक जो वस्तुएं हैं जो इसी जीवन में छूट जाने वाली है इस जीवन में भी कुछ ही समय में छूटने वाली हैं और हम देखते भी हैं जो भी प्राप्त हैं हमको वो हर चीज़ हमारे से छूटती हैं चाहे वो वस्तु हैं चाहे वो कोई व्यक्ति से संबंध है चाहे वो कोई भी चीज़ है आयु है जीवन है हमको खुद का जो शरीर है वो भी तो नष्ट हो जाता है सब चीज़ें छूट जाती हैं इस धरती से इसलिए जो भी हमको प्राप्त हैं उसका हम त्यागपूर्वक भोग करें और पहले से ही सोचें विचारें कि जो भी हमको ये प्राप्त हुआ है उसके प्रति हम इस तरह से सोचेंगे इस तरह से विचारेंगे कि ये तो चीज़ें हमको इस विधान के तहत हमको मिली है और इस विधान के तहत वो सारी छीन जाने वाली है तो हम कर क्या सकते हैं जब तक यहाँ रहेंगे तब तक इसका सदुपयोग जब तक यहाँ रहेंगे तब तक उसका प्रयोग करके हम जो भी कर्म करते हैं उस कर्म को हम चित्त शुद्धि के लिए कर सकते हैं इसलिए तो कहा जाता है कि कर्म जो होते हैं वो चित्त शुद्धि के लिए होते वस्तु उपलब्धि के लिए नहीं होते हैं वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए नहीं होते हैं। वस्तु तो वहाँ तक ही काम आती है कि हम जब तक इस धरती पर रहेंगे तब तक हमको रोटी कपड़ा मकान और बीमार हो जाएगा तो औसत की आवश्यकता होती है इस शरीर को सही सलामत सही तरीके से रखने के लिए क्योंकि ये हमारा परम साधन है ये हमारा शरीर यदि यह शरीर नहीं है तो हम अपने इस जीवन में जो हमारा उद्देश्य है हमारा जो लक्ष्य है हम जो श्रेष्ठ का निश्चय इसको प्राप्त करना चाहते हैं उसको हम प्राप्त नहीं कर सकते इसके लिए हमको शरीर की आवश्यकता है और शरीर को रखने के लिए शरीर की कुछ आवश्यकताएं हैं रोटी कपड़ा मकान और बीमार हो जाए तो औसत तो उसके लिए हम वस्तु उपलब्धि करें उतने मात्रा में हम करें जीवन का निर्वाह कर सकें और जब हम जीवन का निर्वाह आसानी से उतने में कर सकते हैं तो हम बाकी का जो समय है उस समय को निःश्रेष अपर मोक्ष जिससे हम परम कल्याण को हम प्राप्त करें खुद भी सुखी रहे खुद भी शांत रहे खुद भी आनंदित रहे और जो भी हमारे संपर्क में आते हैं उन सबको खुशियाँ बांटे सुख बांटे आनंद बांटते हुए हम अपने जीवन को मोक्ष अपवर निश्रेय की ओर ले जाए और यही तो है यज्ञ भाव त्याग भाव से जो भी मिला है उसका अकेले भोग ना करें इसलिए तो कहा थे जब अकेले भोग करते हैं तो पाप का हम भोग करें इसलिए कहते हैं मोघ मनम विंद तो विंदते यत प्रचेता नार्य मनम पुष्यती नो सखायम केवल लागो भवति केवल आदि जो अकेला जो वस्तुएं हमको प्राप्त हुई है उनका जो अकेला भोग करता है वो पाप का भोग करता है वो व्यक्ति जो है वो निश्रेष को प्राप्त नहीं कर सकता वो व्यक्ति है श्रेष्ठता को नहीं प्राप्त कर सकता और वैसे भी हम समाज में देख सकते हैं कोई खाने पीने की चीज़ है कोई खाने पीने की वस्तु है वो व्यक्ति अकेला ही खाए और सामने वाला व्यक्ति देखता है तो उनको क्या अच्छा मानते हैं ये तो सामान्य चीज है और इसी प्रकार से ये जो परमपिता परमात्मा है उन्होंने सारी चीज़ें रचाई हैं यदि वो परमात्मा अकेला ही इन चीज़ का भोग करता तो हमारा यहाँ क्या काम था हमको क्यों वो यहाँ भेजता हमारे लिए क्यों वो सृष्टि की रचना करता उन्होंने त्याग भाव से सृष्टि की रचना की जो हम सब जीवों के भोग और अपवर के लिए तो हमको भी जो परमपिता परमात्मा ने हमको कर्तव्य दिए हैं परमपिता परमात्मा ने जो हमारे हमको निज कर्म दिए हैं उन कर्मों को करते हुए हमको जीवन को जीना चाहिए उन कर्मों को करते हुए जब हम जीवन को जिएंगे उन कर्मों को करते हुए जब हम अपने जीवन का निर्वाह करेंगे तो निश्चित ही हम अपने जीवन में उत्कृष्टता को श्रेष्ठता को निश्रेयस को अवर को जो भी हम श्रेष्ठ शब्द का प्रयोग कर सकते हैं उन सब को हम सिद्ध कर पाएंगे और हम अपने जीवन को ऐसा दिव्य बना पाएंगे कि हम तो खुद संतुष्ट सुख शांति और खुशियों भरा जीवन जिएंगे ही जिएंगे लेकिन उसके साथ साथ जो भी हमारे संपर्क में आएंगे जो भी हमारे जो भी हमारे संपर्क में आएंगे उन सबको भी हम खुशियाँ बांटेंगे सुख बांटेंगे शांति बांटेंगे और ऐसा करेंगे तो उससे और भी तृप्त होगी और वो परमपिता परमात्मा है वो प्रसन्न होगा संतुष्ट होगा इसलिए तो इसलिए हम देख सकते हैं कि सामान्य रूप से जो परमपिता परमात्मा है उसको हम खुश करना चाहते हैं परम पिता परमात्मा को हम रिझाना चाहते हैं उनको हम संतुष्ट करना चाहते हैं तो हम इसी प्रकार से कर सकते हैं जैसे कोई गरीब हो गरीब के बच्चे को हम कपड़े दे दें खाना पीना दे दें अच्छी कोई उनकी आवश्यकता की वस्तु दे दें उस गरीब के बच्चे को तो उनको कितना सुख मिलता है कितनी संतुष्टि मिलती है लेकिन उसके माध्यम से वो जो गरीब बच्चा है जिनके पास पहनने के लिए कपड़ा नहीं खाने के लिए अन्न नहीं है वैसे गरीब के बच्चे को जब हमने ये सब चीजें दी तो उसकी जो माँ होती हैं उनसे हम बेशक हम मिले भी नहीं हैं लेकिन उस माँ के अंदर कैसा हमारे प्रति भाव हो जाएगा उस माँ को कितना अच्छा लगेगा और वो माँ जो है वो कितनी दुआ देगी कि जिन्होंने मेरे बच्चे को ये सब दिया जिन्होंने मेरे बच्चे को इतना कुछ मेरे बच्चे के लिए किया उसके लिए वो कितनी दुआएं देने लगती हैं तो जो दुआएं देती हैं वो क्यों देती हैं उनके बच्चे को हमने दिया तो इसी प्रकार इस धरती पर वो जो परमपिता परमात्मा है वो हम सब का पिता है वो हम सब की माता है और हम जब उन्हीं के बच्चे हम हैं इसी प्रकार दूसरे भी उनके बालक हैं तो जो हमारे पास कुछ है योग्यता हमारे पास कुछ है ऐश्वर्य हमारे पास कुछ है विशेष और किसी के पास उसका अभाव है किसी को इसकी आवश्यकता है किसी को उसकी ज़रूरत है और उसको हम बांटेंगे उसको हम देंगे उस तक हम पहुंचाएंगे तो क्या होगा वो व्यक्ति तो खुश होगा ही होगा वो व्यक्ति तो संतुष्ट होगा ही होगा वो व्यक्ति तो दुआएं देगा ही देगा लेकिन वो जो परम पिता परमात्मा है वो भी हम पे खुश होगा वो भी हमको ऊपर उठाएगा वो भी हमको श्रेष्ठता की ओर आगे बढ़ाएगा इसलिए उस परमपिता परमात्मा को रिझाने का कोई कर्म है तो वो भी है त्यागपूर्वक हम कर्म करें जितनी आवश्यकता है उसका हम उपभोग करें बाकी चीज़ों को बांटें और यही जो भाव है यही जो कर्म है वो यज्ञ कर्म है यही जो भाव है वो यज्ञ भाव है इसलिए हम इस यज्ञ भाव से कर्म करें इस यज्ञ कर्म से हम बरतें और इस यज्ञ कर्म से बरतेंगे तो हम निश्रेयस मोक्ष और अपवर्ग को प्राप्त करेंगे इसलिए इस शास्त्रों में कहा गया वेद में कहा गया यज्ञ व्रेष्ठ तमम कर्म यज्ञ जो है उस धरती पर के जितने भी कर्म हैं उन सब कर्म में श्रेष्ठतम कोई कर्म है तो यज्ञ कर्म है और इस यज्ञ कर्म को हम सब को करना चाहिए और जब यज्ञ कर्म को करेंगे तो सृष्टि इतनी सुंदर बनेगी कि उसकी कोई बात ही नहीं पूछ सकते हम खुद भी सुख शांति समृद्धि और खुशियां बांटते हुए जिएंगे और खुशियों से युक्त होकर के जिएंगे और अन्य भी प्राणी हैं वो भी सब इसी प्रकार से जिएंगे तो धरती ही स्वर्ग बन जाएगी तो आज इतना ही ओ शांति शांति शांति